बच्चों, इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चारों कॉर्डेंट के बारे में और साइन कन्वेंशन जानेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ना हमको एक्सरसाइज 1C.3 और एक्सरसाइज 1C.4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइज इस टॉपिक को पढ़े बिना नहीं बनेंगे। बात समझ में आई? और ये बहुत मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चारों कोऑर्डिनेट को समझना, साइन कन्वेंशन को समझना कि जब वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी, कौन सा जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज होगा नहीं होगा, तो आज हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले एक्सरसाइज और जितने भी टॉपिक्स हम जो पढ़ चुके हैं उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम समझने वाले हैं चारों कोऑर्डिनेट के बारे में। देखो ध्यान से बच्चों, ये हमारे पास चार कोऑर्डिनेट हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहां से फिर से आ गया तो 360 डिग्री। बात समझ में आई? देखो, 0 to 90 डिग्री के का जो वैल्यू होता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा वो आता है। देखो, 90 माइनस थीटा आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक के वैल्यू, जैसे मैं बोलूं 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो वो किस में आ रहा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है। समझ में आई बात? अगर मैं बोल रहा हूं साइन 120 डिग्री तो 90 प्लस थीटा हो रहा है ना, 90 प्लस 30, तो वो किस में आएगा? ये सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा। वैसे ही 180 माइनस थीटा, अगर मैं बोलूं 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, तो वो दोनों वैल्यू कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। वैसे ही 180 प्लस थीटा, ये आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और ये रहा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 प्लस थीटा, ये किस में आएगा? ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये चार क्वाड्रेंट है हमारे। अब हमको ये जानना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इनमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होते हैं कि निगेटिव होते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, 0 से 90 डिग्री मतलब 90 माइनस थीटा, यहां क्या आएगा? 90 माइनस थीटा वाला, 90 माइनस थीटा, यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यहां सब पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव। क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अभी मैं साइन का बात कर रहा हूं। ठीक है, साइन पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे? अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन साइन, कॉस, टेन, कुछ भी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वो सभी पॉजिटिव रहेंगे। एक चीज और, 90 माइनस थीटा में चेंज होता है, जैसे साइन, मैं बताऊंगा कि कौन किस में चेंज होगा, जैसे साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, कॉस सेक में चेंज होता है, सेक कॉस में चेंज होता है। तो 90 माइनस थीटा में चेंज होता है, साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा। वैसे ही 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा ना, 90 प्लस थीटा में भी क्या होता है? चेंज होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है ना वो चेंज होते हैं साइन कॉस में, कॉस साइन में। बात समझ में? तो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा इन दोनों में चेंज होते हैं। यहां कौन पॉजिटिव रहता है तो इसको याद रखना है। देखो, ये ऑल सिल्वर टी कप्स ऐसे याद रखो, या एड शुगर टू कॉफी ऐसे भी याद कर सकते हो। ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। बात समझ में? एस सिल्वर का मतलब, एस का मतलब यहां साइन और कोसेक, यहां साइन और कोसेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने होंगे वो सब निगेटिव होंगे। समझ में आया बात? यहां अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, इसके अलावा जितने भी हैं सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट ही, तो यहां टेन और कॉट, टेन और कॉट की बात करूं तो टेन और कॉट यहां पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, टेन और कॉट यहां, यहां कॉस और सेक, यहां कॉस और सेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर क्या होंगे? निगेटिव होंगे। बात समझ में? ऐसे याद रखेंगे ऑल सिल्वर टी कप्स। यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा में सब क्या होते हैं? चेंज होते हैं। अब मैं बताऊंगा कौन किस में चेंज होता है। वैसे 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा इन दोनों में क्या होता है? चेंज होते हैं वो।
साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, ठीक है, वैसे ही 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा में चेंज होते हैं, ठीक है। किन में चेंज होगा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, और 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। 270 प्लस थीटा कहाँ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा कहाँ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चेंज किस में होंगे, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। यहाँ पर एक डाउट ये भी आता है, देखो अगर मैं कोई वैल्यू बोलूँ 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा में चेंज नहीं होगा, भले वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन अगर 90 प्लस थीटा है तभी चेंज होगा ना। वैसे ही बात आ जाता है कि 270 प्लस थीटा मैं बोला और 270 माइनस थीटा बोला, 270 प्लस थीटा किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 270 माइनस थीटा किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इन दोनों में क्या होते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं 180 प्लस थीटा तो भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, लेकिन 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा में चेंज नहीं होता है। बात समझ में आई, एक की पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना कि चेंज किस में होते हैं, चेंज चेंज की बात करूं मैं, चेंज 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, वैसे ही 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इससे याद रखना कि इन इनमें चेंज होते हैं, अगर इसके अलावा कुछ और रहा तो नहीं होते, क्योंकि अगर मैं बात करूं 90 प्लस थीटा की, तो 90 प्लस थीटा किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन 180 माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, लेकिन 180 माइनस थीटा में चेंज नहीं होते हैं ना। देखो अगर मैं बात करूं 90 प्लस थीटा की, ठीक है, 90, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 30, टेन 30, टेन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, जितने 0 से 90 डिग्री के जितने भी एंगल वाले हैं यहाँ आएंगे, तो वो क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होंगे, लेकिन चेंज भी होंगे 90 माइनस थीटा में ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ 90 माइनस थीटा का, सब एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे मैं बोलूँ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हम जान रहे हैं किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इधर लिखा देता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं, डिटेल में समझते हैं। जैसे मैं क्या बोला, सबसे पहले मैं बात बोला, देखो सबसे पहले मैं बात बोला 90 माइनस थीटा की बात करें हम लोग, तो अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा की, किसकी बात करें, साइन 90 माइनस थीटा की, तो 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव रहते हैं, मतलब साइन पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद 90 माइनस थीटा में चेंज भी होते हैं, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। बात समझ में आई, वैसे ही अगर मैं बात करूं कॉस 90 माइनस थीटा की, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और पॉजिटिव तो रहता ही है, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में होता है, ये हो गया साइन थीटा। साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, ठीक है, कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में, और सेक चेंज होता है कॉसेक में। ये बात ध्यान में रखना, साइन कॉस में चेंज होता है कॉस साइन में, ये रिवर्सिबल भी है ना, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूं टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, टेन चेंज होता है कॉट में, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। वैसे ही मैं बोलूं कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, कॉट किस में चेंज होता है, टेन में, टेन थीटा। बात समझ में। वैसे ही मैं बोलूं सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, सभी पॉजिटिव होंगे तो sec भी पॉजिटिव होगा, sec चेंज होता है cosec में, तो ये हो गया cosec थीटा। वैसे ही अगर मैं बात करूं cosec 90 माइनस थीटा की, तो ये चेंज होता है sec थीटा में और सभी पॉजिटिव रहते हैं। तो ये बात हुआ 90 माइनस थीटा का। अगर मैं बोलूं 90 प्लस थीटा की बात करें हम, 90 प्लस थीटा, तो ये किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो देखो ऐसे याद रखा, क्या बोला था मैं, ऑल सिल्वर टी कप्स या एड शुगर टू कॉफी, ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल सिल्वर या एड शुगर जैसे भी बोलूं, ऑल सिल्वर, सिल्वर मतलब एस, एस मतलब साइन और कॉसेक, एस मतलब साइन और कॉसेक, मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा 90 प्लस थीटा में। मैं यहां लिख देता हूं साइन और कॉसेक, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। 90 माइनस थीटा में सभी चेंज होते हैं,
है ना। वैसे ही 90 प्लस थीटा में भी क्या होते हैं, सभी चेंज होते हैं। और कैसे चेंज होते हैं, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ साइन 90 प्लस थीटा, तो ध्यान में आना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा चेंज होगा कॉस में, कि क्या होता है कॉस थीटा, लेकिन हमको देखना यहाँ है ना साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन की बात कर रहे हैं हम लोग 90 प्लस थीटा में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव रहते हैं, तो साइन क्या होगा पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। वैसे ही मैं बात करूँ कॉस 90 प्लस थीटा की बात करें, तो कॉस 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 प्लस थीटा में क्या होता है, चेंज होता है। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, साइन थीटा में। अब पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा, तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, ये तो कॉस है, ये तो निगेटिव रहेगा फिर, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ टेन 90 प्लस थीटा की, तो टेन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, कॉट थीटा में चेंज होता है। और साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, टेन तो क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। वैसे ही अगर मैं कॉट की बात करूँ, कॉट 90 प्लस थीटा की बात करूँ, तो ये कॉट चेंज होता है टेन थीटा में, ठीक है। और प्लस या माइनस, तो कॉट क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, इसका ध्यान रखना, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। वैसे ही अगर मैं बात करूँ सेक 90 प्लस थीटा की, तो सेक 90 प्लस थीटा, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या सेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, क्या नहीं रहता, निगेटिव रहता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोलने से क्या होगा, याद होगा बच्चों आपको, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं बोलूँ कोसेक 90 प्लस थीटा की बात करें, तो कोसेक चेंज होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है, और कोसेक पॉजिटिव रहता है, हाँ पॉजिटिव रहता है, तो इसको सेक थीटा लेंगे हम, बात समझ में आई। तो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा की बात किया मैं, 90 माइनस थीटा में क्या होता है, चेंज होता है, 90 प्लस थीटा में भी चेंज होता है। वैसे ही जो देखो पहले हम लोग बात कर रहे हैं 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, जिसमें चेंज होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं 90 प्लस थीटा, देखो 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करें, 90 प्लस थीटा की बात करें, देखो 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करें, तो यहां चेंज होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है। लेकिन अगर मैं 180 माइनस थीटा बोलूंगा, देखो 180 माइनस थीटा में भी तो यहीं आएंगे सब, और यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव रहता है। लेकिन 180 माइनस थीटा में हम चेंज नहीं करेंगे ना, एक बात ध्यान रखना, भले 180 माइनस थीटा वाली वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, लेकिन अगर 90 प्लस थीटा है तभी हम इस क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन साइन कन्वेंशन सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ मैं यहाँ बता दूँ, मैं बोला 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा में चेंज होता है, चेंज होते हैं वैल्यूज। वैसे ही 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, जैसे मैं बात करूँ 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 270 प्लस थीटा किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो ऑल सिल्वर टी मतलब यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, टेन और कॉट क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, ध्यान से समझना, टेन और कॉट, और यहाँ चेंज होते हैं सब, यहाँ चेंज होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे मैं बोलूँ साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन चेंज होता है किस में, कॉस थीटा में, ठीक है। अब बात करें पॉजिटिव की निगेटिव, तो सेकंड में सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ साइन है, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ कॉस 270 प्लस थीटा की, सॉरी 270 माइनस थीटा की, तो कॉस 270 माइनस थीटा में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। कॉस क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, क्योंकि टेन और कॉट बस पॉजिटिव रहते हैं, समझ में आई बात। वैसे ही अगर मैं बात करूँ टेन 270 माइनस थीटा की, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 10 किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है, और 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ क्या लगाए हैं, पॉजिटिव साइन लगाए हैं, ठीक है। वैसे ही कॉट
270 माइनस थीटा की बात करें तो कॉट 270 माइनस थीटा भी क्या होता है, चेंज होता है, किस में चेंज होगा, टेन थीटा में, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव ए सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं तो ये हो गया पॉजिटिव। जैसे मैं बात करूँ सेक 270 माइनस थीटा, तो sec 270 माइनस थीटा किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहते हैं लेकिन चेंज होता है, sec किस में चेंज होता है, cosec में, ये हो गया cosec थीटा। माइनस लगाऊं कि प्लस लगाऊं, तो माइनस लगाएंगे क्योंकि sec क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। वैसे ही cosec 270 माइनस थीटा, cosec 270 माइनस थीटा, तो ये चेंज होगा किस में, sec थीटा में, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव रहेगा, बात समझ में। वैसे ही 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूं तो 270 प्लस थीटा में क्या होगा, चेंज होते हैं, चेंज होते हैं, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल सिल्वर टी कप्स, यहाँ कॉस और सेक रहते हैं पॉजिटिव, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, निगेटिव। समय बात करूँ साइन 270 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा, ये होगा कॉस थीटा, 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, लेकिन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। ये मत देख लेना कि कॉस थीटा में चेंज हुआ है तो कॉस और सेक, पहले देखो ना 270 प्लस, किसकी बात करें हम, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, तो ये आ रहा है कहां हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, ये तो साइन है ना, तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, वैसे ही cos 270 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा, साइन थीटा, अब पॉजिटिव की निगेटिव, तो पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि cos और sec फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं tan 270 प्लस थीटा, तो tan चेंज होता है cot में, cot थीटा, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव। ठीक है, वैसे ही cot 270 प्लस थीटा, तो ये क्या होता है, tan थीटा, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं sec 270 प्लस थीटा, तो sec किस में चेंज होता है, sec चेंज होता है cosec थीटा में, और पॉजिटिव की निगेटिव, तो sec क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। वैसे ही अगर मैं बात करूं cosec 270 प्लस थीटा, तो ये चेंज होता है sec थीटा में, पॉजिटिव की निगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये था 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इनमें चेंज होते हैं। और मैं बताया कि देखो 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव रहते हैं लेकिन चेंज होते हैं, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में। ठीक है, 90 माइनस थीटा। उसके बाद 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, लेकिन यहां भी चेंज होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, लेकिन 180 माइनस थीटा में भी सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हम ये देखेंगे कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन चेंज होगा नहीं ना, मैं उसको भी लिखा देता हूं, लिख लेते हैं हम लोग यहीं पे। देखो एक बार फिर से क्वाड्रेंट को देख लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल पॉजिटिव, यहां साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ tan और cot पॉजिटिव, यहाँ cos और sec पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में सारे चेंज होते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा की बात करूँ, 90 प्लस थीटा की बात करूँ, तो इनमें चेंज होते हैं, साइन चेंज होता है cos में, cos चेंज रिवर्सिबल है ना दोनों में, वैसे ही tan चेंज होता है cot में, और sec चेंज होता है cosec में। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, इनमें चेंज होगा, और क्या इनमें चेंज होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो 270 प्लस थीटा यहां आ रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूं 360 माइनस थीटा, तो यहां आएगा ना, लेकिन यहां चेंज नहीं होगा, 360 माइनस थीटा है तो नहीं चेंज होगा, ध्यान में रखना, और 360 प्लस थीटा है तो भी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली हम बोल रहे हैं 90 प्लस थीटा मतलब यहां वाली वैल्यू, 90 प्लस थीटा वाली वैल्यू, 180 माइनस थीटा भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, तो 180 माइनस थीटा में चेंज नहीं होगा, 90 प्लस थीटा में ही वैल्यू चेंज होगा। बात समझ में आई, जैसे मैं एक लिखा देता हूँ, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ 180 माइनस थीटा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 180 माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ, 180 माइनस थीटा किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में।
ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव रहते हैं, ठीक है, चेंज नहीं होता। क्योंकि अगर मैं बात करूँ साइन 180 माइनस थीटा की, तो ये साइन थीटा ही होगा। अब पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। वैसे ही मैं बात करूँ कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा ही होगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन प्लस की माइनस तो माइनस, समझ में आए। वैसे ही अगर मैं बात करूँ टेन 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, टेन थीटा ही होगा, पॉजिटिव की निगेटिव निगेटिव, ठीक है, समझ में। वैसे ही अगर मैं बात करूं कॉट 180 माइनस थीटा, तो कॉट 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा, कॉट 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा। लेकिन अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन और कोसेक बस पॉजिटिव रहता है, ये निगेटिव रहेगा। सेक की बात करूं तो सेक 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, सेक थीटा ही होगा, पॉजिटिव की निगेटिव निगेटिव होगा। वैसे ही कोसेक 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, कोसेक थीटा ही होगा, पॉजिटिव की निगेटिव पॉजिटिव होगा, तो ये साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, समझ में आई बात। ये रहा 180 माइनस थीटा की बात। अगर मैं 180 माइनस थीटा भी किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। 180 प्लस थीटा की बात करूं मैं, 180 प्लस थीटा की बात करूं मैं, तो 180 प्लस थीटा किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज 180 प्लस थीटा में चेंज नहीं हो, ये आएगा जरूर थर्ड क्वाड्रेंट में, किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल सिल्वर टी टेन और कॉट, यहाँ टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद से कर लोगे। वैसे ही बात करें हम, मैं यहीं पे समझा देता हूँ, वैसे ही बात करें हम 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा भी किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे इसका मतलब चेंज होगा नहीं, ऐसा नहीं है ना, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा में भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज होता है, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, अगर इसी में वैल्यू है तब जाके ही चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ, देखो अब मैं बात करता हूँ n इंटू 360 प्लस थीटा और n इंटू 360 माइनस थीटा, मतलब अगर बड़ा वैल्यू है, ठीक है, बड़ा वैल्यू है, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ, अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ 750 डिग्री की बात कर रहे हैं, अब इसके लिए कैसे चेक करेंगे हम लोग, अब देखो इसके लिए यहाँ फॉर्मूला लगेगा n इंटू 360 प्लस थीटा वाला। अब मैं जैसे मैं यहाँ 2 रख रहा हूँ, n इक्वल टू 2 इंटू 360 प्लस थीटा, तो ये 360 टू जा, तो ये क्या हो जाएगा 720, 720 में मैं क्या ऐड करूँगा, तो 50 आएगा 30, तो ये क्या बन रहा है, देखो ये वाला फॉर्मेट बन रहा है, यही वाला फॉर्मेट बन रहा है ना, n की जगह अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो 2 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री, ये वाला बन रहा है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये बन रहा है हमारा 2 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखो यहाँ n की जगह 1 2 3 4 करते जाओ, ये आएगा कहाँ, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। जैसे ये देखो मैं एक सिंपल सा बनाऊँ, ये पूरा एक चक्कर घूमे तो यहाँ तक कहाँ आया, 360 डिग्री, ये 360 डिग्री हुआ। अब 360 प्लस थीटा तो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब यहाँ मैं 2 कर रहा हूँ, 2 तो ये एक बार चक्कर हुआ, फिर दोबारा चक्कर हुआ, प्लस थीटा बोल रहे हैं तो कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है ना। 3 करूँगा तो 3 बार चक्कर लगाएंगे, 3 बार चक्कर लगा के यहाँ पहुँचे तो क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं ना। तो n इंटू 360 प्लस थीटा बोल रहे हैं तो मतलब बात हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात हो रहा है, समझ में आई बात। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में n इंटू 360 प्लस थीटा में यहाँ क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ चेंज नहीं होगा। n इंटू 360 प्लस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। जैसे मैं बोलूँ साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा, ये होगा कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा होगा। वैसे ही मैं कॉस की बात करूँ, कॉस n इंटू 360 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा। वैसे ही मैं बोलूँ टेन n इंटू 360 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, कॉट थीटा होगा, समझ में आई बात।
ओ सॉरी भाई, ये टेन थीटा होगा, चेंज नहीं होता ना। ठीक है ठीक है। वैसे ही अगर बात करें हम कॉट एन इंटू 360 प्लस थीटा, तो ये भी क्या होगा, कॉट थीटा होगा। मतलब एन के साथ इंटू में 360 प्लस थीटा बोल रहे हैं, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। मतलब जो बड़ी वैल्यूज रहती है ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एन इंटू 360 प्लस थीटा यूज करते हैं। समझ में आ रही बात। तो इसमें हम देखें एन इंटू 360 प्लस थीटा कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव रहते हैं। और मैं ये बताया था कि 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा ही अगर लिखा हो, उसी में चेंज होगा, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं होता। तो इसमें चेंज होंगे नहीं। जैसे मैं यहाँ बोलूँ कॉसेक एन इंटू 360 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा, कॉसेक थीटा ही होगा और सारे पॉजिटिव होंगे। वैसे अगर मैं बात करूँ एन इंटू 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा की बात करें हम, 360 माइनस थीटा की बात करें हम, तो 360 माइनस थीटा कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक बस पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे निगेटिव होंगे और यहाँ चेंज होंगे नहीं। तो अगर मैं बात करूँ साइन एन इंटू 360 माइनस थीटा की, तो ये चुपचाप कॉस थीटा लिखो। अब ये देखो कि ये किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ऑल सिल्वर टी कप्स, कॉस और सेक बस पॉजिटिव होंगे यहाँ, कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, तो एन इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और ये पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव होगा। वैसे मैं बोलूँ कॉस एन इंटू 360 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, अरे ये साइन होगा ना भाई, चेंज नहीं होता है तो मैं क्यों कॉस लिख रहा हूँ, साइन होगा। वैसे ही कॉस एन इंटू 360 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब पॉजिटिव की निगेटिव, तो बात करें कॉस की, तो कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा। वैसे ही अगर मैं बात करूँ टेन एन इंटू 360 माइनस थीटा की, तो ये क्या होगा, टेन थीटा ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव की निगेटिव, तो कॉस और सेक बस पॉजिटिव रहते हैं, ये निगेटिव होगा। तो ये बन जाएगा ना, ये था पूरा हमारा, इस पूरा ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री के एक्सप्रेशन आप लिख लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का, पूरे क्वाड्रेंट के बारे में हम जान गए कि कौन पॉजिटिव फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में क्या होता है, कि कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहेगा, कौन सा निगेटिव रहेगा। तो ये रही बात हमारी सारे क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज। ठीक है, मैं एक चार्ट बनाना भी बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि वो भी यूज होगा एक्सरसाइज 1C.3 और 1C.4 में। जैसे मैं बोलूं, हम जान रहे हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और हमारा कॉट। अब देखो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है। 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। और 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। अब कॉस की बात करें, मैं तुमको ये चार्ट बनाना बता रहा हूँ, कॉस की बात करें तो उल्टा लिखो, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 30 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, 45 डिग्री में दोनों वैल्यू सेम होते हैं। 60 डिग्री की बात करूँ तो ये होगा 1/2, 90 डिग्री की बात करूँगा ये हो गया 0। समझ में आई बात। अब 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना, 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस को बोलते हैं ना। 0/1 क्या होगा, 0, 1/2 √3/2, तो 2 और 2 कटेगा तो ये क्या बनेगा, 1/√3। ठीक है, वैसे यहाँ √2 √2 कटेगा तो क्या बनेगा, 1। यहाँ 2 और 2 कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, √3। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अब कोसेक की बात करें तो साइन का उल्टा होता है, ये 0/1 है समझो, तो 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा तो 2 होगा। 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। समझ रहे हो, वैसे ही √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा, और 1 है तो 1/1 क्या होगा, 1 होगा। सेक कॉस का उल्टा, तो 1/1 को 1 ही लिखेंगे, √3/2 तो 2/√3 लिखेंगे, 1/√2 तो ये क्या होगा, √2 ही होगा। 1/2 क्या होगा, 2 होगा। ये 0/1 है तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। कॉट की बात करें तो कॉस अपॉन साइन को बोलते हैं, या 10 का उल्टा होता है, क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, तो 0/1 है, 1/0 नॉट डिफाइन, 1/√3 तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, √3/1 है तो ये 1/√3 हो जाएगा, और
ये क्या होता है, वन अपॉन जीरो होता है, तो जीरो अपॉन वन हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। तो ये आज मैं जितनी बातें बताया हूँ, आज मैं जितनी भी बातें बताया हूँ, जो जो समझाया हूँ, वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा एक्सरसाइज 1C.3 और एक्सरसाइज 1C.4 को सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को और फिर से देखिएगा ध्यान से, सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वो सारे फॉर्मूला का यूज़ मैं बताते चलूँगा, है ना, मैं बताते चलूँगा कि कोई चीज़ कर रहे हैं हम तो कहाँ से आ रहा है, तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ छत्तीसगढ़ मैथ्स एकेडमी में। थैंक यू बच्चों।